जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आपको आज कुछ बताने वाला हूं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, आपके स्क्रीन पर ये जो पेज दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक टॉपिक यहाँ पर दिखाई देगा, शिक्षा आयोग। ठीक है, शिक्षा आयोग से संबंधित अब तक जितने आपके सवाल पूछे गए हैं 2017 से लेके 21 तक के पेपर में, 22 का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, 2017 से लेके 21 तक जितने भी शिक्षा आयोग से संबंधित सवाल आपके पूछे गए उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि किस टॉपिक से सवाल पूछा गया था। सेक्शन ए में पूछा गया था, बी में पूछा गया था, सी में पूछा गया था, कितने नंबर का पूछा गया था और किस तरीके से पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इन सारी चीज़ों को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो कितना मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो देखा करें और आप भी पढ़ाई ज़रूर करें, सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, ऐसे जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे ना, बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आइए ज़रा वन बाई वन इसको देखते हैं कि सवाल कैसे पूछे गए थे और इसका हल देखेंगे उसके साथ ही साथ। तो सबसे पहला आपसे सवाल पूछा गया था, दोस्तों भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग की चार प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करिए। आपको ये पूछा गया था वेरी शॉर्ट में, 2021 में पूछा गया था। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में, जिसको हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं, 1952-53 में इसकी गठन की गई थी। क्यों गठन की गई थी? अच्छा, इस आयोग को भारतीय शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का नींव माना जाता है कि इसका आधार, इसी पे हमारी आधुनिक शिक्षा टिकी हुई है, ठीक है। और मुदालियर आयोग, जिसमें डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मुदालियर जी, जो उस समय के मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनकी अध्यक्षता में बना था, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग कहते हैं। तो इसकी चार समस्याएं, वास्तव में इन्हें बनाया क्यों गया था, बनाया गया था कि उस समय की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करें और अपनी सुझाव दें। तो सुझाव देने से पहले उन्होंने बताया कि हमारी क्या समस्याएं हैं, ठीक है, इन समस्याओं को पहले हम दूर करेंगे और फिर उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया, ठीक है। तो उन्होंने तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि प्रमुख चार समस्याओं को बताइए कि उन्होंने क्या चार समस्याएं लगी, ठीक है, उन्हें कौन सी चार समस्याएं लगी, ये आपका सवाल पूछा गया था 2021 में। तो केवल आपको चार पॉइंट यहाँ पे बता देना था, थी उसको हम देखेंगे, विस्तृत देखेंगे। मैं इसमें आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। आंसर तो एक बड़ा टॉपिक बनेगा, एक अलग से वीडियो बनाएगी उसके लिए, ठीक है, और कभी नहीं आज ही बनेगा, तुरंत बनेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा और उसमें जब हम बनाएंगे तो उसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहले हम अगला देखते हैं कि भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग की स्थापना कब तथा इसकी संस्तुतियों की व्याख्या करिए। ये देखिए 2018 के लॉन्ग में पूछा है, मतलब 15 नंबर में पूछा है, और 2017 के शॉर्ट में यानी कि 8 नंबर में पूछा है। और मुझे पता नहीं क्यों मेरा ऐसे दिल करता है, मेरा यकीन है कि इस बार डेफिनेटली आपको ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, मुदालियर आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग से डेफिनेटली आपको दोस्तों इस बार सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 2022 में नहीं पूछा था। तो इसको जरूर तैयार करिएगा, ये जरूर पूछ सकता है, और पूछेगा तो पक्का आपके ये तो 8 नंबर में या तो 15 नंबर में पूछेगा, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। तो कह रहा है कि आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी और इसकी संस्तुति, इसके रिकमेंडेशंस क्या थे, इसके सिफारिशें क्या थी, ये एक खुद में एक विस्तृत टॉपिक है, तो हम देखेंगे इसको अगले वीडियो में, ठीक है। दूसरा दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य 2021 के शॉर्ट में पूछा है दोस्तों। देखिए 2021 के शॉर्ट में पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था, इस पर भी बहुत शानदार एक ही वीडियो में हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगला देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या है, ये वेरी शॉर्ट एक नंबर में पूछा है, और 2021 में शॉर्ट में भी पूछा है कि भारतीय शिक्षा आयोग की सूक्ष्म समीक्षा करती है। ये माध्यमिक शिक्षा नहीं है, ये भारतीय शिक्षा है, ठीक है, इसकी ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपसे सवाल में पूछा गया है। तो आप सभी अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, क्या आप सब तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आइए हम एक काम करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज इस टॉपिक को ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा है। और जब इसके तुरंत बाद आप वीडियो को देख लेंगे कि इसकी संगठन, इसकी ये कब इसको बनाया गया था, इसका बनाने का उद्देश्य क्या था, कौन कौन से कार्य क्षेत्र में इनके कार्य था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई हैं, इसके तुरंत बाद एक वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा, तो जैसे आप देखेंगे ना, मैंने एक वीडियो बनाई है, तुरंत उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें हमने इसके बारे में बात करी है, मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में, उनके उद्देश्य क्या थे, कार्य क्षेत्र क्या थे, समस्याएं क्या थी, सुझाव क्या थी, ठीक है, इसको देखेंगे अगर आप, तो इसमें हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी हैं। और एज इट इज़ जैसे आपको पेपर में लिखना है ना, बिल्कुल एज इट इज़ आसान से शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों में, और पैराग्राफ बना के, हेडिंग बना के, टॉपिक बना के, ताकि आपको सुविधा ना हो और आप आसानी से लिख सकें। तो देखिए, केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था। इसमें आपको क्या जानना है,
मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किया गया था, इसको इसलिए मुदालियर आयोग भी कहते हैं। ठीक है, इसके अन्य सदस्यों को यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अगर आप आएंगे, जो आपसे सवाल पूछा गया था कि इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसके आयोग के निर्माण के उद्देश्य कार्यक्षेत्र, तो हमें उद्देश्य और कार्यक्षेत्र को भी यहाँ पे डिस्कस किया है, करेक्ट। उसके बाद अगर आप आएंगे तो अगर अगला पॉइंट देखेंगे कि उन्होंने क्या प्रमुख सुझाव दिए थे, सुझाव के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। और सुझाव देने के बाद उन्होंने पहले इसकी समस्याएं बताई थी, तो समस्याएं देखेंगे आप, तो उसके समस्याओं के बारे में भी डिस्कस किया है। कहने का मतलब है हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए। हम अभी क्या करने वाले हैं बच्चों, हम आपको लेके चलने वाले हैं दूसरे वीडियो पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकंड ईयर वाले बच्चों, आप प्लीज़ आप इनको ज़रूर देखिएगा, और ऐसे अगर आपका एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मिलेंगे उस वीडियो में। फिलहाल यह वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रियाएं जरूर दें, कमेंट करें यार। जैसे वीडियो क्या है ना, वीडियो पे हम बात करते हैं, ठीक है, कमेंट के जरिए आप बात कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि चलो बच्चे भी रिस्पॉन्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। तो उस वीडियो में चलेंगे जिसमें हमने देखा है माध्यमिक शिक्षा आयोग को, फिर आप उसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बाकी मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा। पीडीएफ आप अगर मांगेंगे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे तब, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, जाने दीजिए, तभी तो दूसरे वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।